नमस्कार दोस्तों, मैं रवि राजपूत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं नेशनल करंट अफेयर की क्लास में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रवि राजपूत आप सभी का जो है इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की सेहत अच्छा होगा और आप सभी की स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं जो है नया सेशन लेकर के आया हूँ नेशनल करंट अफेयर का। इसके अंदर हम लोग नेशनल करंट अफेयर के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, वो भी डिटेल में। ये क्वेश्चन बच्चों डिटेल से इसलिए करवाए जाते हैं ताकि आपका कोई भी रैंडम क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनता है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, की हर एग्जाम के अंदर 5 से 6 नंबर का करंट अफेयर जो है वो आपका आता ही आता है। जैसे हरियाणा सिटी एग्जाम है, कोई सेंटर का एग्जाम हो या किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, तो हम लोग देखते हैं कि जो 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन जो है वो हरियाणा करंट अफेयर या फिर मतलब कि बच्चों इंडिया करंट अफेयर, नेशनल या इंटरनेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिटेल से करवाने वाला हूँ, तो आप सभी इन क्वेश्चन को नोट भी कर लेना, ठीक है। और जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वो सारी वीडियोस भी देख लीजिए, वो उसका जो नोटबुक बनाया आप लोगों ने उसमें ये सारे क्वेश्चन नोट भी कर लेना, ताकि आपका एग्जाम आए तो आप सभी को कोई परेशानी ना आए पढ़ने में। तो उसी टाइम बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, इसको एक बार रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो साथ के साथ में डेली की डेली बच्चों ये जितने भी 8 या 9 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ करंट अफेयर के, तो इनको डेली की डेली बच्चों पढ़ लिया करो, ताकि एग्जाम के टाइम आपको कोई समस्या ना आए। चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू। और अपना पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन पहला जो पूछा गया है वो ये है कि 2022 में जारी रिपोर्ट, यहां पे लिख देता हूं मुझे, 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं, दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं, ठीक है। सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं बच्चों, तो 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता जो है वो कौन बने हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, ये कौन बने हैं, तो नरेंद्र मोदी बने बच्चों। कौन? नरेंद्र मोदी, है ना। तो भारत के प्रधानमंत्री बच्चों कौन है? नरेंद्र मोदी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों यह जो है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता जो बने हैं, ठीक है। अच्छा, इस रिपोर्ट के अनुसार ना दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता, दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता जो बने हैं ना, तो वो कौन है बच्चों? तो नेता जो है बने हैं बच्चों कौन है? नरेंद्र मोदी साहब है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया बच्चों, 71 रेटिंग हासिल किया बच्चों। कितना मिला है? 71 रेटिंग जो है इन्होंने हासिल किया है। किन्होंने बच्चों? नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा बच्चों कितना रेटिंग हासिल किया है? 71 रेटिंग जो है इन्होंने हासिल किया है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कितना हो जाएगा बच्चों, 71 रेटिंग के साथ में सबसे टॉप पर जो है वो नरेंद्र मोदी रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति है कौन? जो बाइडेन, है ना। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो है ना बच्चों, अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उनका स्थान कौन सा रहा है बच्चों? तो उनका स्थान रहा है बच्चों छठा, ठीक है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का स्थान जो है वो छठा रहा है। इनका नाम क्या है? जो बाइडेन। क्या नाम हो गया बच्चों? जो बाइडेन। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो स्थान रहा है ना बच्चों वो कितना रहा है? तो ये रहा है बच्चों छठा, ठीक है। आप सभी को याद रखना है ये स्थान जो है वो कौन सा रहेगा? छठा, ठीक है। इनको जो है ना मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि अमेरिका के राष्ट्रपति को छठा स्थान मिला है, इनका नाम क्या है? जो बाइडेन हो जाएगा। तो 2022 में जो आपकी रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया का सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता बने बच्चों भारत के प्रधानमंत्री है बच्चों कौन? नरेंद्र मोदी साहब, ठीक है। कौन हो जाए बच्चों? नरेंद्र मोदी को 71% जो है वो वोटिंग मिला है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, 43 रेटिंग किसको मिला है बच्चों? जो बाइडेन को। 43 रेटिंग जो मिला है वो किसे मिला है बच्चों? याद रखना, जो बाइडेन को मिला, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या पूछा कि टॉप 3 नेता बताओ बच्चों, सबसे टॉप 3 नेता जो है ना मैं आपको वो बताने वाला हूँ, टॉप 3। तो बच्चों टॉप 3 में पहला नाम तो किसका आ जाएगा? नरेंद्र मोदी का, ठीक है। नरेंद्र मोदी बच्चों भारत के प्रधानमंत्री, है ना। तो नरेंद्र मोदी क्या हो जाएंगे बच्चों? भारत के प्रधानमंत्री। अब सेकंड नाम जो रहेगा बच्चों वो किसका रहेगा? अंद्रेज मैनुअल, ठीक है। क्या नाम हो जाए बच्चों? अंद्रेज मैनुअल, मैनुअल। तो एंड्रेस मैनुअल बच्चों मेक्सिको के हैं, ठीक है। एंड्रेस मैनुअल लोपेज,
तो ये राष्ट्रपति हो जाएंगे बच्चों कहाँ के, तो ये राष्ट्रपति जो रहेंगे ना बच्चों कहाँ के, मेक्सिको, कहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे बच्चों, मेक्सिको के राष्ट्रपति रहेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों दूसरे स्थान पर रहेंगे। अच्छा तीसरा नंबर किसका है, तो तीसरा नंबर बच्चों याद रखना मारियो प्रागी का हो जाएगा, और ये बच्चों इटली के प्रधानमंत्री है, ठीक है। जो तीसरा नंबर होगा ना बच्चों किसका होगा, मारियो प्रागी, तो मारिया प्रागी का हो जाएगा बच्चों मारियो प्रागी, ठीक है। तो ये बच्चों क्या रहेंगे, इटली के पीएम रहेंगे, ठीक है। तो इटली के पीएम जो है ना मारियो प्रागी बच्चों ये क्या रहेंगे, तीसरे स्थान पर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो टॉप पर है ना वो नरेंद्र मोदी है, एंड्रीस मैनुअल लोपेज बच्चों इनका स्थान जो है वो दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा स्थान रहेगा बच्चों मारिया मारियो प्रागी, ये प्रधानमंत्री रहेंगे बच्चों कहाँ के, इटली के प्रधानमंत्री रहेंगे, ठीक है। कहाँ के हो जाएंगे बच्चों, ये इटली के प्रधानमंत्री जो है वो रहेंगे। आप सभी को बच्चों इन बातों पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब कुछ और चीजें पूछी गई आपसे इसी से रिलेटेड बच्चों, देखो कि अंतरराष्ट्रीय ओकी महासंघ 2021 द्वारा जारी महिलाओं की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, यहां पे लिख देता हूं बच्चों मैं, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी 2021 की रैंकिंग में महिला हॉकी टीम का स्थान है ना, तो महिला हॉकी टीम का जो स्थान रहेगा या फिर रैंकिंग रहेगा ना बच्चों, तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, नौवां हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कौन सा हो जाएगा बच्चों, नौवां स्थान हो जाएगा। और याद रखना पहले पे कौन रहेगा बच्चों, नीदरलैंड है ना, पहले पे कौन हो जाएगा बच्चों, नीदरलैंड हो जाएगा। और नौवां स्थान जो बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपको भारतीय महिला हॉकी टीम का, ठीक है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम का जो स्थान रहेगा ना बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, नौवां स्थान हो जाएगा, ठीक है। और टॉप पर कौन है बच्चों, नीदरलैंड हो जाएगा। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ में महासंघ 2021 की रैंकिंग के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बच्चों, भारतीय पुरुष हॉकी टीम का स्थान अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे बच्चों कौन सा रहेगा, तीसरा रहेगा। और टॉप पर बच्चों कौन है, फर्स्ट पे नंबर पे बच्चे रहेगा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फर्स्ट पर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तीसरे स्थान पर बच्चों कौन सा हो जाएगा आपका, भारतीय पुरुष हॉकी टीम का स्थान जो है वो तीसरा रहने वाला, ठीक है। चलिए आगे देखो बच्चों, विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान जो है वो कौन सा है, देखो विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021, रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान बच्चों, तो भारत का स्थान इन्होंने पूछा है तो वो हो जाएगा 56वां स्थान, ठीक है। और शीर्ष पर कौन रहेगा बच्चों, स्विट्जरलैंड, शीर्ष पर कौन सा हो जाएगा, स्विट्जरलैंड जो है वो शीर्ष पर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। शीर्ष पर कौन हो जाएगा बच्चों, आप सभी को ध्यान में रखना है, स्विट्जरलैंड शीर्ष पे हो जाएगा। 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता जो है वो नरेंद्र मोदी साहब है, कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो नरेंद्र मोदी जो है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने नरेंद्र मोदी, दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया गया है बच्चों नरेंद्र मोदी को, और उनको 71 रैंकिंग बच्चों रेटिंग मिला है, ठीक है। कितना, 71। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बच्चों उनको छठा स्थान मिला है, ठीक है। टॉप थ्री में नरेंद्र मोदी फर्स्ट, सेकेंड पे एंड्रेस मैनुअल लोपेज बच्चों राष्ट्रपति है मेक्सिको के, तीसरा नंबर मारियो प्रागी बच्चों इटली के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी 2021 की रैंकिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान नौवां है, शीर्ष पर बच्चों को ना नीदरलैंड। इसी तरह बच्चों पुरुष हॉकी टीम की अगर बात करता है तो तीसरा स्थान रहेगा, और टॉप पर बच्चों कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। टॉप पर कौन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अच्छा विश्व प्रतिभा रैंकिंग बच्चों कौन सा, विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 के अंदर भारत का स्थान जो है बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, 56वां स्थान हो जाएगा। और शीर्ष पर कौन होगा बच्चों, स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ठीक है। शीर्ष स्थान पर जो रहेगा उसका नाम क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, स्विट्जरलैंड हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना बच्चों। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन क्या है पूछा है आपसे, शेयर बाजार में, शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए
धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप। किसने लॉन्च किया है? ठीक है बच्चों, तो शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, यह किसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है? तो बच्चों इसको लॉन्च किसने किया? सेबी ने। ठीक है, लॉन्च किसने किया बच्चों? सेबी ने इसको लॉन्च किया है, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप जो है यह लॉन्च किया सेबी ने, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, है ना? क्या हो जाए बच्चों? भारतीय प्रतिभूति एवं, यहां पे लिख देता हूं ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड जो है ये क्या है बच्चों? सेबी का बच्चों फुल फॉर्म है। इसी ने क्या किया बच्चों? साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, ताकि जितना भी शेयर मार्केट में जो है ना बच्चों क्या होता है, शेयर मार्केट में धोखे से बचने के लिए बच्चों इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, साथी मोबाइल ऐप का। अब ये साथी मोबाइल ऐप के जरिए बच्चों देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे इन्होंने। भारत में जितने भी शेयर मार्केट है ना बच्चों, उन सबको हैंडल कौन करता है? भारत में जितने भी शेयर मार्केट है, भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं, जैसे जितने भी शेयर मार्केट हैं, जैसे भारत में जितने भी शेयर मार्केट है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, यानी कि बच्चों NSE, ये क्या था? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा बच्चों इसका फुल फॉर्म। ठीक है, क्या हो जाएगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और एक आएगा बच्चों BSE, और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बच्चों, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बच्चों इन सभी को कौन? सेबी रेगुलेट करता है। ठीक है, याद रखना कौन करेगा बच्चों? सेबी, जो सेबी है वो रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है। ठीक है, तो भारत में जितने भी शेयर मार्केट है ना, तो भारत में जितने भी शेयर मार्केट होंगे उन सभी को रेगुलेट कौन करेगा बच्चों? सेबी करेगा। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बच्चों, तो इन सभी को जो रेगुलेट करने का काम करेगा वो कौन करेगा? सेबी करेगा। ठीक है बच्चों, कौन करेगा? सेबी करेगा। अच्छा, उसके बाद देखो इन्होंने पूछा सेबी का स्थापना जो है वो कब हुआ था। देखो सेबी, तो सेबी के स्थापना के बारे में बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि सेबी का जो है ना पहले बच्चों स्थापना जो है वो कब हुआ था, तो 12 अप्रैल 1988, है ना? तो 12 अप्रैल 1988 के अंदर बच्चों स्थापना होता है, यानी कि गठन होता है, और इसको बच्चों पूर्ण रूप से जो है ना मतलब कि क्या बच्चों इसको डिजिटल डिजिटल बना के उपयोग में कब लाया गया? तो बच्चों ये हो जाएगा 12 अप्रैल 1992। ठीक है, 12 अप्रैल 1992, ये दो डेट हो जाएंगे बच्चों सेबी के। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर पूछे तो मुंबई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे ना बच्चों तो क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। हेडक्वार्टर जो रहेगा ना बच्चों क्या हो जाएगा? मुंबई। इसके अध्यक्ष कौन होंगे बच्चों? अजय त्यागी। ठीक है, अध्यक्ष के बारे में पूछे तो कौन हो जाएगा बच्चों? अध्यक्ष का जो नाम रहेगा वो अजय त्यागी हो जाएगा। ठीक है, अध्यक्ष जो रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों वो कौन हो जाएंगे? अजय त्यागी। तो अध्यक्ष का नाम याद रखना बच्चों क्या हो जाएगा? अजय त्यागी जो है वो अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, आप सभी को बच्चों ये ध्यान में रखना है। आगे देखो बच्चों, भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप किसने, मतलब कि फिश वाले को किसने लॉन्च किया? भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप। कुछ और एप्लीकेशन है बच्चों, जैसे भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप,
ई मछली बाजार ऐप बच्चों कौन सा, फिश वाले, फिश वाले को किसने लॉन्च किया, तो लॉन्च किया बच्चों असम सरकार के द्वारा, ठीक है, किसने लॉन्च किया बच्चों, असम सरकार ने लॉन्च किया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना असम सरकार के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों, असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए उसके आगे देखो बच्चों, प्रगति मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया, प्रगति मोबाइल ऐप बच्चों, प्रगति मोबाइल ऐप को बच्चों किसने लॉन्च किया, भारतीय जीवन बीमा, किसने लॉन्च किया बच्चों, भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC, तो भारतीय जीवन बीमा बच्चों पॉलिसी के द्वारा जो है पॉलिसी बेचते हैं ना ये लोग, तो भारतीय जीवन बीमा के द्वारा बच्चों प्रगति मोबाइल ऐप जो है यह लॉन्च किया गया है, ठीक है। अच्छा फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया बच्चों, फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, फिट इंडिया मोबाइल ऐप, तो बच्चों फिट इंडिया मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है तो याद रखना यह लॉन्च किया अनुराग ठाकुर ने, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया बच्चों, अनुराग ठाकुर के द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया, ठीक है। तो फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया बच्चों, अनुराग ठाकुर ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो बच्चों इन्होंने क्या पूछा है, प्रूफ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन सा बच्चों प्रूफ ऐप, तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रूफ ऐप जो है ना यह लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, क्या बच्चों जम्मू और कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा उसके बाद देखो बच्चों ई नगर मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, कौन सा बच्चों ई नगर मोबाइल ऐप, ई नगर मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया, तो यह लॉन्च किया बच्चों किसने, गुजरात ने, किसने लॉन्च किया बच्चों, तो गुजरात ने लॉन्च किया, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था ना बच्चों वो क्वेश्चन क्या था कि शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो बच्चों यह सेबी ने लॉन्च किया है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड जो बच्चों इसका फुल फॉर्म हो जाता है, भारत में जितने भी शेयर मार्केट है ना बच्चों उन सभी को सेबी हैंडल करता है, चाहे जैसे मान लो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो इन सभी को जो है ना रेगुलेट करने का काम कौन करेगा बच्चों, सेबी करेगा, ठीक है। तो सेबी बच्चों याद रखना कि इसके जो अध्यक्ष होंगे बच्चों वो कौन होंगे, अजय त्यागी। भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले को लॉन्च किया बच्चों असम सरकार के द्वारा, प्रगति मोबाइल ऐप बच्चों भारतीय जीवन बीमा LIC ने लॉन्च किया, फिट इंडिया बच्चों अनुराग ठाकुर ने ऐप को लॉन्च किया, प्रूफ एप्लीकेशन बच्चों जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है, और ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन बच्चों किसने लॉन्च किया है, तो गुजरात ने लॉन्च किया, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है बच्चों, तो याद रखना यह लॉन्च किया गया है गुजरात के द्वारा, कर लोगे बच्चों इतना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन पूछे है बच्चों राष्ट्रीय राजमार्ग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक कौन बने, राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड, विकास निगम लिमिटेड, विकास निगम लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं, नए प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपसे पूछा गया है, देखना राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के जो नए प्रबंध निदेशक है ना बच्चों इनका नाम पूछा गया है, तो ये कौन बने हैं, ये बने चंचल कुमार, ठीक है, कौन बने बच्चों इनका नाम याद रखना, इनका नाम जो रहेगा वो चंचल कुमार। तो चंचल कुमार को जो है ना राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निर्देशक बनाया गया बच्चों, इतना याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, आगे पूछा गया कि महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की
125वीं जयंती पर भव्य प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई बच्चों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनकी भव्य प्रतिमा कहां स्थापित की गई, कहां स्थापित की गई, ऐसा आपसे पूछा है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ना बच्चों 125वीं जयंती, ठीक है, तो 125वीं जयंती पर उनकी जो भव्य प्रतिमा है ना बच्चों, यह कहां स्थापित की गई? तो आप सभी को याद रखना बच्चों, इंडिया गेट दिल्ली पर, है ना। तो इन सभी की जो प्रतिमा स्थापित की गई है ना बच्चों, वो इंडिया गेट दिल्ली में स्थापित की गई है, ठीक है, इंडिया गेट दिल्ली में बच्चों स्थापित की गई है। आप सब जानते हो बच्चों क्या, 23 जनवरी। अब ये 23 जनवरी जो है ना बच्चों, यह डेट जो है वो पीएम यानी केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता मिली है। क्या चीज बच्चों? केंद्र सरकार ने कहा है कि गणतंत्र समारोह, जो आपका गणतंत्र दिवस है ना बच्चों, गणतंत्र दिवस समारोह, तो गणतंत्र दिवस समारोह शुरू कब होता है बच्चों? यह शुरू 24 जनवरी को शुरू होता था, ठीक है, तो 24 जनवरी को शुरू होता था, लेकिन अब बच्चों क्या होगा, अब 23 जनवरी से शुरू होगा, ठीक है, अब 23 जनवरी से शुरू होगा बच्चों, याद रखना इसको, कि जो गणतंत्र दिवस है ना बच्चों, ये समारोह बनाने के लिए बच्चों पहले 24 जनवरी को शुरू किया जाता था, ठीक है, लेकिन बच्चों अब क्या हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जन्म दिवस की तिथि है ना बच्चों, उसको भी गणतंत्र दिवस समारोह के अंदर शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि गणतंत्र दिवस समारोह जो है अब 23 जनवरी से बच्चों क्या किया जाए, मनाया जाएगा, ठीक है, उसकी तैयारियां जो है वो 23 जनवरी से शुरू की जाएंगी, ठीक है। तो 23 जनवरी बच्चों किसका जन्म दिवस होगा? आप सुभाष चंद्र बोस का जो है वो जन्म दिवस होगा, ठीक है। इनका एक फेमस नारा है बच्चों, कौन सा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी दूंगा। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे बच्चों? यह शब्द जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के थे, ठीक है, तो किसके थे बच्चों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बच्चों यह शब्द थे जिन्होंने ये कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। क्या कहा उन्होंने बच्चों? इन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये शब्द जो है वो किसके द्वारा कहे गए थे बच्चों? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहे गए थे, ठीक है। इंडिया गेट हो गया बच्चों, देखो अब ये देखो इंडिया गेट, ठीक है, जामा मस्जिद हो गया, ठीक है, मोती मस्जिद हो गया बच्चों, लाल किला, जंतर मंतर, इंडिया गेट तो हो ही गया बच्चों, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, लाल किला, जंतर मंतर, राष्ट्रपति भवन, ठीक है। तो ये सारे के सारे बच्चों कहां रहेंगे? आपके दिल्ली के अंदर रहेंगे, ठीक है, तो ये सभी बच्चों कहां रहेंगे? दिल्ली के अंदर रहेंगे, ठीक है। अच्छा एक आता है बच्चों क्या, देखो तीनों भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, नौसेना, तो बच्चों ये तीनों के हेडक्वार्टर कहां पे रहेंगे? तो ये भी कहां रहेंगे? दिल्ली। तो दिल्ली के बच्चों सीएम कौन है? तो दिल्ली के जो सीएम रहेंगे बच्चों वो कौन है? अरविंद केजरीवाल, है ना। दिल्ली के सीएम बच्चों कौन होंगे? अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली के सीएम हो जाएंगे, ठीक है। उपराज्यपाल कौन है बच्चों यहाँ के? तो यहाँ के उपराज्यपाल या प्रशासक की बात की जाए बच्चों कौन होंगे? तो अनिल बैजल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, कौन है? अनिल बैजल, ठीक है बच्चों, कौन होंगे? अनिल बैजल हो जाएंगे। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बच्चों ये भी कहां रहेगा? दिल्ली में, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा,
तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की अगर मैं बात करता हूं तो ये कहाँ रहेगा बच्चों, याद रखना यह पड़ेगा दिल्ली के अंदर, ठीक है, कहाँ रहेगा बच्चों, दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, दिल्ली का संस्थापक कौन है बच्चों, दिल्ली का जो संस्थापक होगा ना बच्चों वो कौन थे, एक राजपूत शासक थे जिनका नाम क्या था बच्चों, राजपूत शासक जिनका नाम था अनंगपाल तोमर। क्या नाम था बच्चों, इनका जो नाम था वो था अनंगपाल तोमर, ठीक है, अनंगपाल तोमर। तो इन्होंने क्या क्या बच्चों दिल्ली की स्थापना की थी, ठीक है, तो इसको पहले इंद्रप्रस्थ भी बोलते थे बच्चों, क्या इंद्रप्रस्थ, फिर दिल्ली का, फिर दिल्ली, फिर नई दिल्ली, ठीक है। तो ये आपका जो है अनंगपाल तोमर जी के द्वारा क्या किया गया था बच्चों, इसका स्थापना किया गया था। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, यहां से दो क्वेश्चन थे बच्चों, क्या कि राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के जो ना प्रबंध निर्देशक बनाए गए हैं बच्चों वो किसे बनाए गए, तो चंचल कुमार को बनाया गया, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनकी भव्य प्रतिमा यह इंडिया गेट दिल्ली के अंदर स्थापित की गई है। अब 23 जनवरी को बच्चों इनकी जो है वो जन्मदिवस मनाते हैं ना, तो हुआ क्या, केंद्र सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया कि गणतंत्र दिवस समारोह जो है वो 24 जनवरी से शुरू होता था, ठीक है, लेकिन अब वो 23 जनवरी से शुरू होगा। क्यों शुरू होगा, क्योंकि बच्चों याद रखना कि सुभाष चंद्र बोस के जो जन्मदिवस है ना बच्चों, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस को बच्चों किसमें गणतंत्र दिवस समारोह के अंदर शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बच्चों याद रखना यह फैसला लिया गया है, ठीक है, किसके द्वारा बच्चों, केंद्र सरकार के द्वारा। तो केंद्र सरकार फैसला लेगी बच्चों क्या कि अब 23 जनवरी से शुरू होगा गणतंत्र दिवस समारोह, ठीक है, यह बात तुमको ध्यान में रखनी है। अब बात किसकी आती है, इंडिया गेट की बात आती है, तो इंडिया गेट बच्चों याद रखना कि ये इंडिया गेट दिल्ली में है, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, लाल किला, जंतर मंतर, ये सब के सब बच्चों कहां रहेंगे, ये सारे के सारे जो है आपके याद रखना बच्चों कहां रहेंगे, तो ये सभी आपका दिल्ली के अंदर रहेंगे, राष्ट्रपति भवन हो गया। अच्छा, तीनों नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, इन सभी का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय की अगर मैं बात करता हूं तो ये भी कहां रहेंगे बच्चों, तो ये भी तुम्हारे दिल्ली में रहेंगे, ठीक है। दिल्ली के सीएम का नाम क्या है, अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल बच्चों, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बच्चों यह भी दिल्ली में रहेगा, दिल्ली का संस्थापक बच्चों कौन है, राजपूत शासक थे अनंगपाल तोमर, ठीक है, ये क्या रहेंगे बच्चों, दिल्ली के शासक हो जाएंगे, ठीक है, कौन हो जाएंगे बच्चों, यह दिल्ली के जो है वो शासक हो जाएंगे, ठीक है। इतनी जानकारी बच्चों आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, भारत का पहला हेली हब कहां स्थापित किया जाएगा, हेली हब बच्चों, भारत का पहला हेली हब कहां स्थापित किया जाएगा, ठीक है बच्चों, तो भारत का पहला हेली हब जो है ना बच्चों यह कहां स्थापित किया जाएगा, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत का पहला हेली हब जो है ना बच्चों यह गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा, ठीक है, क्या बच्चों, गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा, और यह कहां पड़ता है, हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो यह कहां स्थापित होगा मेरे प्यारे बच्चों, गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया जाएगा, जो कहां पड़ेगा, हिस्सा आपका हरियाणा के अंदर पड़ेगा। तो भारत का पहला हेली हब मतलब क्या है बच्चों, हेलीकॉप्टर से जुड़ी सारी सुविधा यहीं पर मिलेगी, ठीक है, हेलीकॉप्टर से जुड़ी सारी सुविधा एक ही जगह पर मिलेगी, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर से जुड़ी सारी सुविधा बच्चों हेली हब में मिलेगी, और ये हेली हब ना भारत का पहला हेली हब है जो कहां खोला गया बच्चों, याद रखना ये हेली हब जो होगा बच्चों आपका कहां होगा, गुरुग्राम के अंदर होगा, ठीक है। गुरुग्राम कहां पड़ेगा बच्चों, हरियाणा के अंदर पड़ेगा गुरुग्राम बच्चों, इसको क्या बोलते हैं गुरु, अच्छा अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर भी बच्चों कहां रहेगा, ये गुरुग्राम के अंदर रहेगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर बच्चों, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, तो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का जो मुख्यालय रहेगा ना बच्चों, हेडक्वार्टर, तो बच्चों वो भी क्या रहेगा, तो याद रखना वो भी गुरुग्राम हो जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय बच्चों क्या रहेगा, सौर संगठन का मुख्यालय जो बच्चों क्या हो जाएगा आपका, गुरुग्राम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये कहां पड़ता है आपका, हरियाणा में, हरियाणा बच्चों यहां से दो बातें याद रखना कि हरियाणा की राजधानी क्या रहेगी, चंडीगढ़,
हरियाणा की राजधानी जो रहेगी बच्चों चंडीगढ़ होगी। इसको केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1986 में बनाया गया, इसको राजधानी बनाया गया बच्चों किसकी, पंजाब और हरियाणा दोनों की। वो भी कब बनाया गया बच्चों, 1 नवंबर 1966 को ही बनाया गया था, ठीक है। तो बच्चों हरियाणा, हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, 1 नवंबर 1966 को बनाई गई थी आपका, ठीक है। चंडीगढ़ को यूटी कब बनाया गया बच्चों, 1 नवंबर 1966 को ही बनाया गया था। हरियाणा बच्चों, हरियाणा का जो बच्चों सीएम रहेंगे इनका नाम क्या रहेगा, मनोहर लाल खट्टर साहब हो जाएंगे, ठीक है। तो हरियाणा के सीएम बच्चों कौन है, मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे बच्चों, याद रखना। और हरियाणा के गवर्नर का नाम क्या रहेगा बच्चों, भंडारू दत्तात्रेय हो जाएगा, ठीक है। भंडारू दत्तात्रेय जो है वो क्या हो जाएंगे, हरियाणा के सीएम हो जाएंगे। अच्छा, पंजाब के सीएम का नाम क्या रहेगा बच्चों, चरणजीत सिंह चन्नी हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो पंजाब के सीएम हो जाएंगे। राज्यपाल यानी कि बच्चों गवर्नर की बात करूं तो बनवारी लाल पुरोहित हो जाएगा बच्चों। क्या नाम हो जाएगा, बनवारी लाल पुरोहित। तो बनवारी लाल पुरोहित बच्चों क्या हो जाएंगे, यह गवर्नर हो जाएंगे किसके, पंजाब के। हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट बच्चों, हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट बच्चों ये तुम्हारा कहां रहेगा, तो हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट बच्चों याद रखना यह भी चंडीगढ़ में रहेंगे, ठीक है। ये दोनों का ना एक ही हाईकोर्ट है बच्चों, हरियाणा और पंजाब दोनों का बच्चों एक ही हाईकोर्ट होगा, जहां के बच्चों मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करूं, चीफ जस्टिस की बात करता हूं तो रविशंकर झा हो जाएंगे बच्चों। कौन है, रविशंकर झा हो जाएंगे चीफ जस्टिस बच्चों, ठीक है। अच्छा, दोनों के बीच में किस मुद्दे को लेकर के बच्चों, देखो दोनों के बीच में एसवाईएल मुद्दा है, यानी कि सतलुज यमुना लिंक बच्चों। क्या हो जाएगा, सतलुज यमुना लिंक। तो सतलुज यमुना लिंक बच्चों किस किस के बीच में मुद्दा रहेगा, तो यह आपका है चंडीगढ़ और सॉरी पंजाब और हरियाणा के बीच में, ठीक है। तो बच्चों इसका टोटल लेंथ 212 किलोमीटर है, ठीक है, जिसके अंदर से बच्चों पंजाब के पास में बच्चों कितना है, पंजाब पंजाब के पास में 121 और हरियाणा के पास बच्चों 91 यानी कि 91 किलोमीटर का लेंथ है बच्चों। अगर ये एसवाईएल काम करता है ना, तो हरियाणा और पंजाब दोनों के किसानों को बच्चों बड़ा फायदा हो जाएगा, पानी जो है वो प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। तो एसवाईएल मुद्दा जो है वो किस किस के बीच में, हरियाणा और पंजाब के बीच में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहां से 212 किलोमीटर इसका लेंथ है, पंजाब का 121 किलोमीटर हो जाएगा बच्चों। हेडक्वार्टर क्या रहेगा बच्चों, 91 किलोमीटर सॉरी आपका हरियाणा के अंदर 91 है और पंजाब के अंदर 121 किलोमीटर का लेंथ रहेगा, ठीक है, याद रखना बच्चों। अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, ये देख लो इन्होंने क्या पूछा बच्चों, देखो हरियाणा के गवर्नर का नाम बच्चों मैंने आपको बताया दिया, भंडारू दत्तात्रेय है, ठीक है। इसके बाद में क्या पूछा कि हरियाणा के लोक नृत्य कौन सा है बच्चों, हम सब जानते हैं हरियाणा के अंदर ना लोक नृत्य की अगर वो बात करता है तो हरियाणा के लोक नृत्य है बच्चों। तो हरियाणा के लोक नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे, देखो कौन कौन से बच्चों, देखो धमाल नृत्य हो जाएगा, ठीक है, छड़ी नृत्य हो जाता है बच्चों, एक हो जाएगा छठी नृत्य बच्चों, छठी नृत्य हो जाएगा, ठीक है आपका बच्चों। होली नृत्य, फाग नृत्य, होली नृत्य, फाग नृत्य, धमाल नृत्य, छड़ी नृत्य, छठी नृत्य बच्चों, छठी है ये बच्चे के जो है ना बच्चों जन्म के 6 दिन के बाद में जो नहीं होता नामकरण वगैरह जो प्रोग्राम किया जाता है उसको छठी नृत्य कहा जाता है, ठीक है। फाग नृत्य, होली नृत्य बच्चों, एक आता है बच्चों खेड़ा नृत्य, किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए तो उस पर किया जाने वाला नृत्य बच्चों खेड़ा नृत्य है, ठीक है। एक आता है खोरिया नृत्य, तो खोरिया नृत्य बच्चों शादी के समय, ठीक है, कोरियन नृत्य हो जाएगा बच्चों। घोड़ी नृत्य हो जाएगा, घोड़ी नृत्य बच्चों, ठीक है। तो ये सारे के सारे लोग बच्चों क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे नृत्य जो है ना वो हरियाणा के अंदर होते हैं। रतवाई मंजीरा, रतवाई बच्चों मंजीरा, रास रसिया नृत्य, रास रसिया नृत्य हो जाएगा बच्चों। एक गणगौर नृत्य होगा बच्चों, कौन सा, गणगौर नृत्य। तो ये सारे के सारे नृत्य बच्चों कहाँ होते हैं, हरियाणा में होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे नृत्य जो है ना मेरे प्यारे बच्चों कहाँ होते हैं, हरियाणा के अंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या पूछा गया बच्चों, अगला क्वेश्चन जो पूछा है कि हरियाणा के अंदर कौन से 2 राष्ट्रीय उद्यान है। तो हरियाणा के अंदर बच्चों 2 राष्ट्रीय उद्यान रहेंगे कि नेशनल पार्क बच्चों। तो 2 राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, एक हो जाए कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। अब कलेसर राष्ट्रीय उद्यान बच्चों कहां पड़ेगा, यह पड़ेगा यमुनानगर के अंदर, ठीक है। और एक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा, कि आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो यह कहां पड़ेगा बच्चों, यह पड़ेगा गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। कहां पड़ेगा बच्चों, यह पड़ेगा गुरुग्राम के अंदर पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी जो है वो मिल जाती है, ठीक है, याद रखना बच्चों। अच्छा, गुरुग्राम जो है ना बच्चों इसको क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा का हब बोलते हैं बच्चों, सौर ऊर्जा का हब किसको बोलते हैं, गुरुग्राम को। मनोरंजन सिटी,
साइबर सिटी, मनोरंजन सिटी, साइबर सिटी, सौर ऊर्जा का हब बच्चों किसको कहा जाता है? यह है गुरुग्राम को कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि पहला हेली हब जो भारत का स्थापित किया जाएगा वो गुरुग्राम के अंदर स्थापित होगा। साइबर सिटी, मिलियन सिटी, मनोरंजन का हब, सौर ऊर्जा का हब किसको बोलते हैं बच्चों? गुरुग्राम को बोलते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर बच्चों कहां रहेगा? गुरुग्राम रहेगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी बच्चों क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। यहाँ पे बच्चों दोनों सीएम का नाम भी आपको बता चुका हूं, पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी, मनोहर लाल खट्टर जो बच्चों वो कहां के सीएम हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे बच्चों हरियाणा के। भंडारू दत्तात्रेय गवर्नर है बच्चों कहां के? हरियाणा के। बनवारी लाल पुरोहित बच्चों गवर्नर हो जाएंगे पंजाब के। पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक होगा, ये बात याद रखना। तो बनवारी लाल पुरोहित बच्चों क्या हो जाएंगे? चंडीगढ़ के प्रशासक। हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट बच्चों दोनों का एक ही चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। रविशंकर झा बच्चों क्या रहेंगे यहाँ पर? मुख्य न्यायाधीश है फिलहाल। एसवाईएल मुद्दा दोनों के बीच में बच्चों, ठीक है। एसवाईएल मुद्दा सतलुज यमुना लिंक किस किस के बीच में? हरियाणा और पंजाब के बीच में। ये हरियाणा के लोक नृत्य हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। और ये दो राष्ट्रीय उद्यान कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर बच्चों दोनों के दोनों कहां रहेंगे? तो ये दोनों बच्चों रहेंगे आपके हरियाणा के अंदर पड़ेंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों बच्चों कहां पड़ेंगे? यह हरियाणा के अंदर पड़ेंगे दोनों के दोनों बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों? हुसैन सागर नामक कृत्रिम झील कहां पर है बच्चों? हुसैन सागर नामक कृत्रिम झील बच्चों, हुसैन सागर कृत्रिम झील, ठीक है बच्चों। तो हुसैन सागर जो कृत्रिम झील है ना बच्चों, यह कहां रहेगी? यह रहेगी बच्चों हैदराबाद के अंदर, ठीक है। तो हुसैन सागर कृत्रिम झील जो है ना मेरे प्यारे बच्चों कहां पर रहेगी? हैदराबाद के अंदर रहेगा। तो हुसैन सागर कृत्रिम झील बच्चों कहां रहेंगे? हैदराबाद के अंदर जो है ये रहने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या पूछा कि हैदराबाद के अंदर बच्चों कि रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा, इनकी स्टैच्यू ऑफ इक्विटी बच्चों क्या है? स्टैच्यू ऑफ इक्विटी, स्टैच्यू ऑफ इक्विटी बच्चों किसकी है? ये महान संत तथा समाज सुधारक, महान संत तथा समाज सुधारक है बच्चों कौन? संत रामानुजाचार्य। कौन बच्चों? संत रामानुजाचार्य। तो बच्चों संत रामानुजाचार्य की बच्चों बैठे हुए बच्चों क्या इनका है ना, एक संत रामानुजाचार्य का 216 फीट ऊंचा बच्चों क्या लगाया? प्रतिमा लगाया गया, ठीक है। 216 फीट ऊंचा बच्चों क्या लगाया? इनका प्रतिमा जो है वो लगाया गया है बच्चों कहां पर? हैदराबाद के अंदर लगाया बच्चों। कहां पर? हैदराबाद के अंदर लगाया गया, जिसको क्या बोला? स्टैच्यू ऑफ इक्विटी कहा गया बच्चों। क्या बोला गया इसको? स्टैच्यू ऑफ इक्विटी जो है वो कहा गया है। इसका अनावरण जो है ना बच्चों किसके द्वारा किया गया था? तो 5 फरवरी 2022 को बच्चों इसका अनावरण जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था बच्चों, ठीक है। इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया बच्चों? 5 फरवरी 2022 को इसका अनावरण जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये कहां रहेगा बच्चों? स्टैच्यू ऑफ इक्विटी, ये जरूरी है आपके लिए। महान संत तथा समाज सुधारक बच्चों कौन है? रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची जो है मूर्ति हैदराबाद के अंदर लगाई गई है, जिसको स्टैच्यू ऑफ इक्विटी कहा गया है। 5 फरवरी 2022 को बच्चों क्या नरेंद्र मोदी के द्वारा इस मूर्ति का अनावरण जो है वो किया गया था, ठीक है। ये बात भी ध्यान में रखनी है। अच्छा, इन्होंने पूछा चार मीनार गोला कुंड किला, ये कहां पर है बच्चों? चार मीनार गोला कुंड किला, तो बच्चों ये दोनों के दोनों हैदराबाद में ही है, ठीक है। कहां है बच्चों? तो यह पढ़ेंगे हैदराबाद के अंदर, ठीक है। कहां रहेंगे बच्चों? हैदराबाद के अंदर ही रहेंगे बच्चों। अच्छा, इसने पूछा हुसैन सागर नामक कृत्रिम झील के बीच में कितने मीटर ऊंची गौतम बुद्ध की प्रतिमा है? तो बच्चों 18 मीटर ऊंची, ठीक है। तो इसके बीच में यहां पर लिख देता हूं, इसके बीच में जो है ना आपके क्या कृत्रिम झील जो है हुसैन सागर के बीच में 18 मीटर ऊंची, 18 मीटर ऊंची बच्चों क्या रहेगी? तो गौतम बुद्ध की प्रतिमा है बच्चों। क्या रहे? गौतम बुद्ध की प्रतिमा। तो गौतम बुद्ध की प्रतिमा रहेगी बच्चों 18 फीट ऊंची, याद रखना बच्चों कहां पर? हैदराबाद के अंदर रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको यहां पर मैंने करवाए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को बच्चों बढ़िया तरीके से कवर कर लेना, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों यहां पर मैंने आपको करवाए हैं, एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। तो हमने जो क्वेश्चन किया है ना बच्चों, देखिए कि 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे लोकप्रिय नेता बच्चों कौन है? नरेंद्र मोदी। टॉप 3 में नरेंद्र मोदी फर्स्ट है, एंड
एंड्रेस मैनुअल लोपेज बच्चों मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं, ये सेकंड नंबर। मोरियो प्रागी बच्चों इटली के पीएम तीसरे नंबर पर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बच्चों स्थान रहेगा छठा, ठीक है। शेयर बाजार बच्चों, ये ना धोखे से बचने के लिए बच्चों कौन सा साथी मोबाइल ऐप शुरू किया था, किसने, सेबी ने। तो सेबी के बारे में बच्चों याद रखना, अजय त्यागी जो है वो क्या रहेंगे, इसके हेडक्वार्टर रहेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों, विकास निगम लिमिटेड के जो चंचल कुमार को क्या बनाया गया बच्चों, प्रबंध निदेशक बनाया गया, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रतिमा जो लगाई गई है वो इंडिया गेट दिल्ली में लगाई गई है बच्चों, ठीक है। भारत का पहला हेली हब बच्चों क्या बनेगा, गुरुग्राम, जहां पर हेलीकॉप्टर से जुड़ी सारी सुविधा आपको मिलेगी, ठीक है। अच्छा, हुसैन सागर कृत्रिम झील जिसके अंदर 18 मीटर ऊंची गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। अच्छा, यहीं पर हैदराबाद के अंदर बच्चों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगाया गया, जिसको महान संत समाज सुधारक बच्चों कौन है, संत रामानुजाचार्य, जिनका 216 फीट ऊंचा जो है हैदराबाद में मूर्ति जो है वो लगाया गया, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये जितने भी क्वेश्चन बच्चों ये मैंने करवाए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको बढ़िया तरीके से करना बच्चों, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा इतना ही रहेगा बच्चों। तो लास्ट मैसेज मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेगा, सबका सम्मान कीजिए, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर कीजिए, सब प्रेम प्यार से रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, लव यू टोल टेक गाइस, जय हिंद जय भारत।